हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। और देखिए, डीपर लेवल के लिए रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ के लिए, यू नो, जो भी आपने पीछे करी या इस वीक कर रहे हैं उसके लिए एक एप्रिसिएशन, एक रिवॉर्ड, एक तारीफ़ आपको मिल रही है, या फिर यू नो एक तारीफ़, एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन आप चाह रहे हैं और शायद आपको नहीं मिल रही है, और इसी वजह से या अदरवाइज भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। और देखिए, ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सब के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। छोटे छोटे से इश्यूज़, छोटे छोटे से मसले हैं जो आपको कहीं काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा, एक उलझन आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि ये लाइफ है, हरदम ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। और देखिए, एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उस चीज़ को लेके इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करेगा कि हम परेशान रहेंगे या उदास रहेंगे। देखिए, मैं सिस्टर शिवानी को फॉलो करती हूँ और वो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझाती हैं कि परिस्थितियाँ तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम हर परिस्थिति को अलाउ करें कि वो हमारे मन की स्थिति को ख़राब करे तो हम कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। और जब हम परिस्थिति को, अगेन मैं कहूँगी, अलाउ नहीं करते हैं अपनी मन की स्थिति को ख़राब करने के लिए, तो कोई चीज़ बियॉन्ड अ पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाती। और इस चीज़ का भी देखिए आपने ख्याल रखना है, क्योंकि फिर से देखिए, एक्सटर्नली अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जो हमारे मुताबिक नहीं है और अगर हम उसको लेके परेशान होते हैं तो फिर देखिए ये परेशानी और परेशानी लेकर आती है, फिर वो परेशानी और परेशानी लेकर आती है, और इस तरीके से ये साइकिल यू नो आगे बढ़ता जाता है। और ये साइकिल, अगेन मैं कहूँगी, चलता रहता है जब तक ये किसी भी सिचुएशन या किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि अगर जो भी चीज़ें आपको किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं या फिर आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, आप उनको लेके परेशान ना हों। और ऐसा आप करेंगे तो देखिए फर्दर परेशानी अपनी लाइफ में लाने से या आने से आप रोक पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं थ्री ऑफ कप्स रिवर्स एंड विजडम। तो देखिए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड टैरो में कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने की बात करता है, कहीं सोशलाइज करने की बात करता है। और इस वीक आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम तो स्पेंड कर रहे हैं लेकिन आप उतना इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर इस वीक है जो कि पोस्टपोन हो रही है, डिले हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी सेलिब्रेशन, किसी गेट टुगेदर,
किसी रीयूनियन को आप प्लान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्कशंस हैं और कहीं आप उतना नहीं इन्जॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन अगेन आप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं फिर से मैं कहूँगी कि आप उतना इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहीं, लेकिन यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट या फिर सोशलाइज करने से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक रह सकते हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं डीपर लेवल के लिए विजडम का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही वाइजली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक फिगर किताबें लेकर एक बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। तो देखिए, कहीं ये कार्ड पढ़ने पढ़ाने की बात करता है, कहीं सीखने सिखाने की बात करता है, और कुछ ऐसा भी कुछ टॉरस या बहुत सारे टॉरस के लिए दिख रहा है। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि आप काउंसलिंग एडवाइस दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, आप अपनी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, आप और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। अगेन देखिए, नटशेल में या तो कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, और कोई भी चीज़ हो सकती है, इनफैक्ट सबके लिए डिफर हो सकती है अगेन, जो आप सीख रहे हैं या फिर आप सिखा रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल के लिए देखें तो इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक दिख रही हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज की बात करता है। देखिए, फिर से ये ज़िंदगी है, छोटे मोटे इश्यूज तो रहते ही हैं, और कहीं फाइव ऑफ वॉन्स का कार्ड भी माइनर इश्यूज की बात करता है, एंड ओवरऑल अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन कहीं थ्री ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रह सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी हो, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, खुद पे या फिर आपके लव्ड वंस हैं, उन पे ट्रस्ट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, बेसिक अगर आप ट्रस्ट रख पाएंगे, आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रह पाएंगे, तो इस वीक की एनर्जीज को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।